आज हम दूसरे तरीके से फंदे डालना सीखेंगे। चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पेयर नीडल ले लिया है और ऊन ले लिया है। ये एक सैम्पल मैं बता रही हूँ, तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से नीडल चुनिए और ऊन चुनिए। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है गोले का, इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड रखिए और जो गोले वाला गोले की तरफ अटैच है वो राइट हैंड साइड रखिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लूप बना लेंगे। देखिए इस तरीके से, ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए क्रॉस सा बन रहा है। अब क्या करेंगे कि इसमें से ये पुल कर दीजिए, ये वाला पोर्शन पुल कर दीजिए, ये, और ये हमको टाइट करना है यहाँ पे। तो ये देखें, अब क्या करना है कि ये जो दोनों हैं, एक तो ये गोले से अटैच है जो कि पीछे है इस निडल के, ये देखिए, और जो शुरुआत का है जिसको हमने पहले निकाला है, ये देखिए वो हमारी लेफ्ट साइड। अब क्या करेंगे, इन दोनों थ्रेड के बीच से फिंगर्स अपने इस तरीके से डालेंगे, ये देखिए, और इस वाले थ्रेड को हम अपनी मिडिल फिंगर से पकड़ लेंगे। तो देखिए कैसे डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक हमारा ये लूप आ रहा है, थ्रेड अंगूठे के ऊपर से आ रहा है। तो देखिए, और इसके नीचे से जाएंगे, जो हमारे ऊपर से आ रहा है इसके हम सबसे पहली स्टिच चाहिए, तो हम बाद में ये स्लिप हो जाएगी। ये देखिए सबसे पहला इसके नीचे से जाएंगे, ये देखिए, ये इस तरीके से नीचे से जाएंगे। अब ये वाला जो है इसके भी नीचे से जाएंगे, नीडल हम अपना इधर से ऐसे ले जाएंगे और इसके नीचे से इस तरीके से निकलेंगे, ये देखिए। अब क्या करना है कि पहले बार जब हमने स्टिच बनाया था तो ये हमारे ऊपर था, ये वाला जो थ्रेड था हमारे ऊपर था। अब क्या करेंगे कि इस बार हम ये थ्रेड इधर से रखेंगे। देखिए पहले तो ये ऐसे था, पहले तो ये इस तरीके से आया था हमारे थंब पे, इस तरीके से। इस बार क्या करेंगे, ये देखिए पहले कैसे था, ऐसा, और इस बार ये देखिए इस तरीके से। पहले हमने इधर से लिया था, अब हम इस तरफ से लेंगे, इसके नीचे से निडल ले जाइए और इस वाले फिंगर के अंदर से निकाल दीजिए। और आप यहाँ पे देख रहे हो ये कि यहाँ पे ये रैप सा बन गया है इन दोनों स्टिच के बीच में। तो इस तरीके से हम जो भी लूप्स बनाएंगे, जितने भी फंदे बनाएंगे, उनमें जब दो फंदे बन जाएंगे उनके बीच में ये उनके लूप सा बन के आ जाएगा ये। तो देखिए फिर से देखते हैं, फिंगर ऐसे डालो, पहली स्टिच हम बनाएंगे इसके नीचे से जाइए और अब की बार इंडेक्स फिंगर की नीचे से जाइए और ये इनको पास कर दीजिए, ये देखिए। फिर क्या करना है, ये थंब को यहाँ से लेना है, ये नीचे से, देखिए ये यार्न ऊपर है अभी, इसके नीचे से ऐसे ले जाइए और ये दिख रहा है आपको, यहाँ से इस तरीके से पुल कर दीजिए, ये देखिए। फिर से हमें एक लूप मिला जो रैप सा लग रहा है, ये देखिए, पहला ये था फिर ये था। देखिए ये लूप बनते कैसे हैं, फिर से देखिए, मैं स्लो बता रही हूँ पूरा। इन दोनों थ्रेड के बीच से फिंगर्स ले जाइए, एक थंब और एक इंडेक्स फिंगर, ये वाला, और इनको स्ट्रेच कीजिए, पकड़ लीजिए ऐसे। ये वाला जो आ रहा है इसको हम
मिडिल फिंगर से पकड़ लेंगे, और ये अंगूठे के ऊपर से आ रहा है उनको हम इन दोनों फिंगर से पकड़ लेंगे। देखिए ये हमने ऐसे पकड़ा हुआ है। पहली जो स्टिच बनती है वो हमारा जब ये धागा ऊपर होता है, देखिए इस तरीके से, देखिए ऐसे और ऐसे, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लूप से बनते जा रहे हैं, ये फिर नीचे से लेके फिर से ये बना लीजिए। ये देखिए अगेन पहले स्टेज हमेशा इसके ऊपर से बनाइए जब हमारा थंब इस तरीके से हो, और ये देखिए दूसरी बार में क्या करना है, थंब को नीचे से ले जाइए ये इस तरीके से, और ये वाला जो स्टिच है इसको ऐसे कर दीजिए। सेम करना है पहली बार में, थंब के ऊपर से ले जाते हुए बनाना है, और दूसरी बार में थंब को नीचे से ले जाते हुए, ये देखिए यहाँ पे ये जो थ्रेड है इसको इस तरीके से कर देना है। यहाँ पर आप देखोगे ये लूप से बनता है, हर दो स्टिच में एक रैप सा दिख रहा है, ये देखिए 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 ये, इस तरीके से फंदे डालने में ये बहुत ही स्ट्रेची बनते हैं, तो आप इसको किसी भी बॉर्डर स्लीव्स कहीं भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये बताने का तरीका पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।